उत्तराखंड के पुलिस महानिरीक्षक अशोक कुमार ने युवाओं का आह्वान किया कि वे आत्मविश्वास, संकल्प शक्ति, एंजलिस्ट नीचे के साथ आगे बढ़ें और स्वयं को नकारात्मक की ओर न जाने दें। जीवी पंत विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिक महाविद्यालय के इंजीनियर व्यंग द्वारा आयोजित साइबरोम्ब ड्रग्स क्राइम पर आयोजित बैठक में विद्यार्थियों से रूबरू हुए। इस अवसर पर विधि के कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान, आईजी कुमाऊ डॉक्टर नीलेश आनंद, एसएसपी ऊधम सिंह नगर मंजूनाथ, कृषि विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर एस के शुक्ला मौजूद रहे। नशे के प्रति और साइबर अपराध को लेकर जागरूक किया गया है, किस तरह से मुहिम आगे चलती है? देखिए, पन्नगर विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है और ये जो दो बड़े चैलेंजेज हैं पुलिस के सामने, साइबर क्राइम और ड्रग्स, ये अकेले पुलिस नहीं लड़ सकती। इसके लिए हमें पब्लिक को साथ लेकर के चलना है, उसमें जागरूकता को बढ़ाना है और कहीं कहीं जो है इसलिए यूनिवर्सिटी के सहयोग की ज़रूरत है, तो हमने वीसी साहब से भी अनुरोध किया, तो जिससे बहुत ही मुझे लगता बहुत ही यूजफुल सेशन हुआ। बच्चों ने ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने की माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम है 2025 तक उसकी शपथ भी ली और सभी ने 500 सवाल पूछे, उनके जो क्वारीज हैं कि साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए, कैसे अपने परिवार वालों को, दोस्तों को बचाया जाए, कैसे ड्रग्स से हमने लड़ाई लड़नी है, कैसे पहचान करनी है कि कौन बच्चा ड्रग्स की तरफ जा रहा है, कैसे उसको रोकना है, तो ये सारी बातें हुई। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।